हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो आज फिर हम आपके सामने, तो आपको आज हम लिखेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का वन शॉट। जितना मोशन इन स्ट्रेट लाइन में है, चाहे रेस्ट मोशन से लेके आपका ग्राफ तक या इक्वेशन ऑफ मोशन तक या मोशन अंडर ग्रेविटी तक, यहां तक सारे टॉपिक जो है वो जल्दी से जल्दी कवर कर रहा हूं। और ये सारे टॉपिक कवर करके देखो न्यूमेरिकल भी बताऊंगा किस तरीके से आएंगे, और टॉपिक बता रहा हूं और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात, जितना हम यहां पर बताएंगे उतना पढ़ लो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लो और बैकयार्ड कर लो और एनसीईआरटी कर लो, मोर देन इनफ फॉर एनी एग्जाम। चाहे आपका स्कूल का एग्जाम है, चाहे आपका ट्वेल्थ का एग्जाम है, चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम है, चाहे आपका नीट का एग्जाम, चाहे जेईई का एग्जाम। ठीक, जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना लो और बैक ईयर लगा लो और एनसीईआरटी में कमांड कर लो, चार पांच बार एनसीईआरटी लगा लो तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो हम सीधे चलते हैं मोशन स्ट्रेट लाइन में टॉपिक। अगर सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्ट की, हर टॉपिक को डिफाइन करूंगा। रेस्ट वो है अगर मान लीजिए कोई बॉडी टाइम के हिसाब से अपने पोजिशन चेंज नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे बॉडी किसमें रेस्ट। हो सकता है मेरे रिस्पेक्ट में आप लोग रेस्ट में होंगे या आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हूं तो हम कहेंगे, अगर कोई बॉडी टाइम के हिसाब से अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो उसको हम बोलेंगे रेस्ट। अगला आता है मोशन। अब आप मुझे बताओ मोशन क्या होता है। देखिए, मैं इधर उधर घूम रहा हूं यहां पे, इसका मतलब आप ही कहोगे सर व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी टाइम के हिसाब से अपने पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे क्या है, बॉडी मोशन में है। तो हम आपको एक चीज बता दें, दुनिया की कोई बॉडी ना ही पर्टिकुलरली ट्रूली रेस्ट पर है ना ही मोशन में है। क्योंकि अगर हम देखें, आपके हिसाब से मैं एक जगह खड़ा हूं तो मतलब आपका रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हो गया है नहीं, लेकिन जो बंदा मून पे है, मून से अगर देख रहा है हमको, अर्थ को देखेगा, अर्थ इज रोटेटिंग, अर्थ का हर पार्टिकल रोटेट कर रहा है, इसका मतलब मैं भी मोशन में हूं। तो मून से कोई देख रहा है अर्थ रोटेट कर रहा है, अर्थ का हर पार्टिकल रोटेशन में है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम किस में है, मोशन में है। यानी चलते ट्रेन है, ट्रेन में बंदे बैठे हुए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। बाहर से हम देखेंगे ट्रेन चल रही है क्योंकि ट्रेन मूविंग है, तो उसका अंदर का हर बंदा जो है मोशन में कहलाएगा। देखो, किसी के हिसाब से कोई बॉडी रेस्ट पर है और किसी के हिसाब से कोई बॉडी किस में है, मोशन में है। जो किसी का हिसाब जो है ना, उसको साइंस के लैंग्वेज में बोलते हैं फ्रेम ऑफ रिफरेंस। क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रिफरेंस का मतलब है कहां से हम बॉडी की पोजीशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसलिए एससी वर्मा साहब भी लिखते हैं कि ना ही कोई बॉडी ट्रूली रेस्ट पर है ना ही कोई बॉडी मोशन में है, सब खेल किसका है, फ्रेम ऑफ रिफरेंस का। समझ में आया। चलिए, फिर यहां से आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस। क्या पढ़ा होगा, डिस्टेंस। अब आप मुझे बताइए, अगर डिस्टेंस की बात करूं, ये एक्चुअल पार्ट ट्रेवल है। आप सुबह घर से निकल गए, शाम को घर को आ रहे हो, जितना भी आपने ट्रेवल किया डिस्टेंस, जितना भी पाथ आपने कवर किया, वो कहलाएगा आपका डिस्टेंस। क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। तो अपन लोग लिख सकते हैं एक्चुअल पाथ कवर। क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल पाथ कवर है नहीं है। तो जितना चल गए, किलोमीटर चल गए, मीटर में चल गए, सबको ऐड कर देंगे तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। यह एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट मीटर में होती है। डिस्टेंस एक सिर्फ और सिर्फ मुझे कोई नंबर बता रहा है, सर 5 किलोमीटर चल गया, 5 मीटर चल गया, 5 सेंटीमीटर चल गया, इसलिए स्केलर है क्योंकि इसके पास केवल और केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है नहीं है। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, अगर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, ये शॉर्टेस्ट पाथ कवर है। क्या कहलाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ कवर। ये शॉर्टेस्ट पाथ कवर है आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जहां पर है। मान लीजिए इनिशियल पॉइंट ए है, कोई बंदा यहां से इधर पहुंचा बी में, तो ये तो उसकी डिस्टेंस होगी, एक्चुअल पाथ ट्रेवल। अगर शॉर्टेस्ट देखेंगे तो ये है इसका शॉर्टेस्ट पाथ,
है नहीं है? तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ कवर है नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट पाथ कवर है। अगर घर से निकले घर पे ही वापस आओगे, मान लीजिए आप 100 किलोमीटर चल गए, वो आपका डिस्टेंस है। इनिशियल और फाइनल पोजिशन सेम है तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट है, मतलब सेम हो गए ना। शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ भी वहीं पर है, मतलब इनिशियल भी पॉइंट वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, शॉर्टेस्ट पाथ जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। अगर कोई बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ रहा है मेरे बच्चों, तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस को आप डायरेक्शन दे दो। कोई बंदा ईस्ट चल के राइट चल रहा है, फिर लेफ्ट चल रहा है, फिर परपेंडिकुलर चल गया, तो हम कहेंगे डिस्टेंस को अगर डायरेक्शन मिल जाए या मैग्नीट्यूड को अगर डायरेक्शन मिलेगा, तो हम क्या कहेंगे? वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, क्वेश्चन कैसे पूछता है? बोलेगा आपको कोई एक बंदा पहले ईस्ट गया, फिर आपका नॉर्थ गया, फिर आपका वेस्ट गया, है नहीं? तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको क्या करेंगे, सिंपली आप ये डायग्राम बना लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए। आपके कॉपी में राइट साइड आपको ईस्ट बनाना है, लेफ्ट साइड आपको वेस्ट बनाना है, सर के साइड ऊपर को बनाना आपको नॉर्थ और नीचे को बनाना आपको साउथ, है नहीं? जैसा जैसा बोल रहा है, 10 मीटर ईस्ट जाओ, 10 मीटर नॉर्थ जाओ, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10√2। समझ में आया? जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है आपको वैसा वैसा आप करिए। फिजिक्स करने का सबसे आसान तरीका है पेन चलाते रहो, ठीक है ना? जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा करते जाओ। समझ में आया? ये डिस्प्लेसमेंट है। दिक्कत किसी को? चलिए, अगर हम बात करेंगे स्पीड की, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम या s by t। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर यूनिफॉर्म स्पीड बोलेगा, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होगा व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सिंपल। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और वाइस वर्सा। समझ में आया? रिविजन चल रहा है, थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। ऐसे अगर वेलोसिटी आ गया, आपको पता है स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो ये आपका वेलोसिटी है। और एक्सेलरेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, या वी माइनस यू अपॉन टी। समझ में आया नहीं है? तो ये आपका एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये आपका एक्सेलरेशन है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं आपको बताऊं जर्क, वो क्या होता है सर? सर वो होता है एक्सेलरेशन ओवर टाइम। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन ओवर टाइम, ये आपका जर्क है। क्या कहलाएगा? जर्क। क्या कहलाएगा? जर्क कहलाएगा। समझ में आया? तो ये आपको याद करने हैं। अच्छा, अगर एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? एवरेज स्पीड। यहीं से एवरेज स्पीड निकाल दो। अगर एवरेज स्पीड पढ़ोगे, आपको बताया टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, अगर मुझे वी एवरेज पूछेगा तो क्या निकालेंगे? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी? वी इंस्टेंटेनियस, डीएस बाई डीटी, या एवरेज वेलोसिटी बोल दो। एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डीएस बाई डीटी। अच्छा, ये क्या हुआ? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर्टिकुलर एट अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यह आपका एवरेज वेलोसिटी है। अब देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हुआ? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अच्छा, ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। यहां पर क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ये एवरेज आ जाएगा आपका, है नहीं है? तो किसी टाइम के किसी हिस्से में कोई पार्टिकल अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये आपका वेलोसिटी होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहां से इसको याद रखना है, वी बराबर डीएस बाई डीटी। तो यहां से क्वेश्चन का वेरिएशन होता है। अगर मान लीजिए एस इक्वल टू 2t² + 3t + 3t, ऐसा कुछ आ गया, 3 आ गया सपोज, ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपको वेलोसिटी पूछता है। टी इक्वल टू 2 सेकेंड में बताइए
बॉडी की क्या वेलोसिटी होती है? आपको होता है वी बराबर होता है डीएस बाई डीटी। क्या होता है? वी इक्वल टू डीएस बाई डीटी। इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी पाओ, टाइम की जगह रख देना 2 सेकंड रख देना जो भी पूछेगा। यानी तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही एक्सेलरेशन भी है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। यानी आपको पता है ए बराबर होता है डीवी बाई डीटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, वेलोसिटी टाइम के साथ वेरिएबल होगी। अगर v इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, अगर ऐसा एक क्वेश्चन आ गया पेपर में, पूछेगा 2 सेकंड पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताओ, बेटा क्या करेंगे? क्योंकि आप जानते हैं a बराबर होता है dv बाई dt, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, लिमिट लगा, सॉरी टाइम की वैल्यू रख देना, उसके बाद ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। समझ में आया? और अगर मान लीजिए उल्टा चलो, आप चलिए देखो मेरे बच्चों, आपको चीजें समझ में आनी है। अगर यहीं से मैं बताऊं, मान लीजिए एक्सेलरेशन आपको दिया है, क्या दिया है? एक्सेलरेशन। सपोज ए बराबर दिया है आपको 2t³ + 3t² + 3t + 4, यह आपकी एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, टाइम के साथ वेरिएबल है। आपको वेलोसिटी पूछ रहा है, आपको पता है डीवी बराबर होता है ए इंटू डीटी। इंटीग्रेशन कर दो, क्या कर दो? ए एक्सेलरेशन टाइम के साथ, या टाइम का फंक्शन है, ए की वैल्यू यहां पर रख दो, इंटीग्रेट कर दो, लिमिट लगा दो, यू विल गेट योर आंसर। है नहीं है? लिमिट लगाना आना चाहिए आपको, इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। जनरल फॉर्मूला याद रखे, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एन, सॉरी एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन। आपको कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है नहीं है? तो अगर एक्सेलरेशन टाइम का वेरिएबल है, अगर वेलोसिटी पूछ रहा है इंटीग्रेशन करना है, वेलोसिटी अगर टाइम का वेरिएबल है, अगर आपको पूछ रहा है एक्सेलरेशन आपको डिफरेंशिएट करना है, अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरिएबल है तो आपको करना है डिफरेंशिएशन। अगर वेलोसिटी जो है, अगर यही क्वेश्चन आ गया आपका, वेलोसिटी जो है टाइम का वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, तो आप इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो यहां से सिंपल सा फंडा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, वेलोसिटी पूछेगा, डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी पूछेगा, एक्सेलरेशन निकालना होगा, फिर से आप डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको। एक्सेलरेशन दिया होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी पूछेगा, आप उसको इंटीग्रेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए मेरे बच्चों? इंटीग्रेशन। यू विल गेट योर फुल मार्क्स। जितना करा उतना करो, एनसीईआरटी करो, थोड़े से क्वेश्चन लगाइए, बैक एयर क्वेश्चन, बस कुछ नहीं करना है। वेलोसिटी दिया होगा, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर। समझ में आया? तो मैं शॉर्ट डिविजन करा रहा हूं, किस तरीके से क्वेश्चन के आने के चांस है और किस तरीके से आपने किए हुए हैं और क्या करने की जरूरत है। चलिए इतना कर दिया हमने, तो ये तो आपके एक पार्ट हो गया। आगे चले, ग्राफ बनाना है, ये क्वेश्चन मोशन डिस्कस करते हैं। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं ग्राफ के बारे में। ग्राफ, दो ग्राफ बना रहा हूं मैं, एक तो एक टाइम हो गया या एक्स टी ग्राफ, एंड सेकेंड वन इज वी टी ग्राफ, और थर्ड वन इज ए टी ग्राफ। कौन सा ग्राफ? ए टी ग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ग्राफ से क्वेश्चन आए हैं कंप्यूटर एग्जाम से हर साल, है नहीं है? तो एक साल छोड़ के एक साल तो क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए अब मैं कुछ इंपोर्टेंट चीज बनाऊ, नंबर वन ग्राफ, नंबर टू ग्राफ, नंबर थ्री ग्राफ, नंबर फोर ग्राफ, नंबर फाइव ग्राफ, ऐसे यहां भी नंबर वन ग्राफ, टू ग्राफ, थ्री, फोर, फाइव, ये आपके अगर ग्राफ आएंगे। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मान लीजिए ए वन ग्राफ को देखो, ये एंगल थीटा, थीटा हो गया, मुझे बताओ क्या टेन थीटा बराबर एक्स बाई टी लिख सकता हूं? टेन थीटा ये हो गया एक्स, ये हो गया टाइम,
tan थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई टी, और एक्स बाई टी क्या होता है? वेलोसिटी होता है. क्या होता है? वेलोसिटी. tan थीटा क्या होता है? स्लोप होता है. क्या होता है? स्लोप होता है. है नहीं है? tan थीटा स्लोप है. मान ली देखो ये वैल्यू स्ट्रेट लाइन है, थीटा कॉन्स्टेंट है. अगर थीटा कॉन्स्टेंट है तो tan थीटा कॉन्स्टेंट, tan थीटा कॉन्स्टेंट है स्लोप कॉन्स्टेंट, स्लोप कॉन्स्टेंट तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है x by t, x by t वेलोसिटी देगा. क्या देगा? वेलोसिटी. तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो रिजल्ट होगा ना वो आपको वेलोसिटी बताएगा, चाहे वेलोसिटी जीरो है, चाहे वेलोसिटी बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंट है या डिक्रीजिंग. समझ में आया? चलिए ए में वेलोसिटी कॉन्स्टेंट बताओ. ग्राफ नंबर थर्ड में देखो, एक स्लोप खींचो ये थीटा, फिर से स्लोप खींचे टेंजेंट का मतलब होता है स्लोप. देखो थीटा बढ़ रहा है, थीटा इज इंक्रीजिंग. अगर थर्ड केस में थीटा बढ़ रहा है ना, स्लोप बढ़ रहा है. अगर स्लोप बढ़ रहा है तो क्या कहेंगे? वेलोसिटी इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. ऐसे सेकंड केस में देखो थीटा की वैल्यू कम होते जा रही है, देखो थीटा की वैल्यू कम होते जा रही है. अगर थीटा कम हो रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है. अगर थीटा कम हो रहा है तो वेलोसिटी कम हो रही है. क्या कम हो रही है? वेलोसिटी. समझ में आया? यहां देखिए चौथे में देखो, ये जो लाइन है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो इसका मतलब मैं कहूंगा थीटा की वैल्यू जीरो, स्लोप जीरो, स्लोप जीरो. तो मेरे बच्चों क्या जीरो? वेलोसिटी जीरो. क्या 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 जीरो? वेलोसिटी जीरो. समझ में आया? सेम ग्राफ इसके भी है, सेम पॉइंट यहां पर डिस्कस कर रहा हूं. ये मान लीजिए एंगल थीटा है, तो बताओ मेरे बच्चों टेन थीटा बराबर क्या होता है? वी बाई टी, और वी बाई टी क्या होता है? एक्सेलरेशन. इसका मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो वेलोसिटी टाइम जो है ना ग्राफ, वो आपको एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा. किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा. समझ में आया? यहां से क्वेश्चन आने के बहुत चांस है. थीटा की वैल्यू देखिए, थीटा फर्स्ट केस में देखो थीटा कॉन्स्टेंट है, एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट. सेकेंड केस में देखो थीटा इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग. यहां पे थीटा कम हो रहा है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है. यहां पे एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट. देख लो वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन जीरो. और ये यहां तक कहीं पॉसिबल नहीं है. तो मैं भी फिफ्थ ग्राफ परपेंडिकुलर है 90 इंफिनिटी, कोई पॉसिबल नहीं है. टाइम सेम है, वेलोसिटी पहली है, कहीं ऐसा देखा? नहीं देखा. समझ में आया क्या? वेरी नाइस. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है आपको क्या प्रोवाइड करेगा? जर्क प्रोवाइड करेगा. क्या प्रोवाइड करेगा? क्योंकि जर्क बराबर होता है एक्सेलरेशन ओवर टाइम. जर्क इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन ओवर टाइम. एक चीज और है, मान लीजिए आपका ग्राफ आ गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यानी है ये टाइम है, ये एक्सेलरेशन ए वन मान लो. अगर पेपर में आ गया व्हाट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो आप कहेंगे जर्क बताएगा. अगर पूछेगा ना बताओ कितनी वेलोसिटी कवर किया पार्टिकल टी सेकेंड में जाने पे, एरिया अंडर द कर्व, ये ग्राफ है, ग्राफ के अंडर का अगर एरिया निकालेंगे ना, ग्राफ के अंडर जितना एरिया है उसको आप अगर कैलकुलेट करोगे ना बेटा, एरिया अंडर कर्व आपको क्या प्रोवाइड करेगा? चेंज इन वेलोसिटी. क्या प्रोवाइड करेगा? चेंज इन वेलोसिटी. क्या प्रोवाइड करेगा? चेंज इन वेलोसिटी. अरे सर अभी तो जानते हैं सर ए बराबर होता है डीवी बाई डी टी, तो डीवी इक्वल टू कितना हो गया? ए इंटू डी टी, या तो एक्सेलरेशन के इक्वेशन टाइम के साथ हो तो इंटीग्रेट करते वेलोसिटी आएगा, या तो ए टी ग्राफ दिया है. इसका मतलब ये होता है बेटा यहां से लेके यहां तक जितना इंटीग्रेशन कर रहा टोटल, इसका मतलब होता है एरिया, है नहीं है? इसका मतलब ये एरिया अंडर द स्लोप या एरिया अंडर द एटी कर्व. तो अगर आपको एटी कर्व का एरिया बताना है तो आपको वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा. अब आप मुझे बताओ ऐसे अगर मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया पूछेगा, ये देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या निकालेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा. क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट. देखो कैसे, आप जानते हैं वेलोसिटी बराबर होता है डीएस बाई डी टी. आप बताओ डीएस बराबर क्या हो जाएगा? vdt हो गया, नहीं हो गया? वेलोसिटी टाइम का रिलेशन है, ग्राफ दिया है, या वेलोसिटी टाइम के साथ वेरिएबल है, इंटीग्रेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट आएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. अगर ग्राफ दिया है इसका मतलब ही होता है एरिया अंडर कर्व. क्या होता है? एरिया अंडर वेलोसिटी. टाइम ग्राफ विल गिव ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट. समझ में आया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है.
चाहे आप आपके कहीं कराया हो या नहीं कराया हो, कंपिटेटिव एग्जाम्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाने वाले मैं आपको टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं अभी, समझ में आया। इनको ना फ्यूचर में देखते हुए आपको तैयारी करनी है, कल के एग्जाम के लिए नहीं करनी है, हो सकता कल आए ना, या आज जो एग्जाम होने लगा उसमें आएगा ही नहीं। आपके जो फ्यूचर के एग्जाम है, कंपिटेटिव एग्जाम्स है, जेई का एग्जाम है, नीट के एग्जाम है, आप क्रॉस चेक करो, रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कहूंगा, एग्जैक्ट लाइक क्वेश्चन, इन्हीं के जैसे क्वेश्चन जो है ना पूछे गए वहां पे, ग्राफ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एरिया पूछा गया है, एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया पूछे गया है, डिस्प्लेसमेंट बताओ बीटी ग्राफ से, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर चलते हैं चलिए, अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, फोर्थ इक्वेशन है एसेंथ इक्वेशन u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस का वन, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। ऐसे ही अगर मान लीजिए मोशन अंडर ग्रेविटी देखेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी मान लो पार्टिकल ऊपर को जा रहा है, तो पहले क्वेश्चन क्या हो जाएगी ऊपर के लिए, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, सेकेंड s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच या s, फोर्थ एसेंथ इक्वल टू यू माइनस जी बाई टू टू एन माइनस का वन। ये क्वेश्चन आपको याद करने हैं जेई और कंपिटेटिव एग्जाम्स के लिए, सिर्फ आप इक्वेशन याद कीजिए, बाकी जो भी इलेवंथ वाले हैं या जो भी एग्जाम दे रहे हैं अभी इलेवंथ क्लास में, वो आपको डेरिवेशन भी इसके करने हैं ग्राफ से और कैलकुलस से। पिछले वाले लेक्चर में फिजिक्स वाले लेक्चर हम देखेंगे, आप लोग अगर देखेंगे तो वहां मैंने ग्राफ से भी बताए हैं, कैलकुलस भी बताए हैं, कैसे करके इसको सॉल्यूशन होता है, समझ में आया। तो आपको उसको देखना है, v यहां पर फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल है, a यहां पर एक्सेलरेशन है, t टाइम है, ठीक है ना, ये रिलेशन लगाना आपको आना चाहिए। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां से देखो एसएनटी क्वेश्चन क्या हो गया, u प्लस a बाई टू टू एन माइनस वन, ये एंथ टाइम में चली गई डिस्टेंस है, थर्ड सेकंड में, थर्ड सेकंड कंप्लीट ही हुआ है, तीन सेकंड के तो बहुत हिस्से होते हैं, तो वहां पर इक्वेशन लगती है, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड, n की वैल्यू टू थ्री फोर, nth टाइम, n इज nth टाइम, u इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, समझ में आया। तो आपको इसको करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना अब डिस्कस करता हूं, जो आपके आने के बहुत बहुत चांस है, चाहे वो किसी भी एग्जाम हो। अब आप एक चीज देखो, अगर मान लीजिए कोई बंदा जो है h हाइट का एक टावर है, यहां से किसी u वेलोसिटी से बॉल फेंक रहा है, क्वेश्चन पूछेगा आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड और एट व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। आपको u गिवन है, आपको h गिवन है, आप क्या करिए क्वेश्चन को तोड़ना सीखो। आप क्या करो, पहले यहां तक की क्या निकाल लो, टाइम निकाल लो, है नहीं है, यू दिया है आपको, यहां पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल ने वहां से नीचे आना है वापस। पहले आप ये यहां से यहां तक का टाइम निकाल लिए, टी डैश निकाल लिया, क्योंकि आपको वी इक्वल टू यू प्लस जीटी लगा लो, सॉरी वी इक्वल टू यू मैंने जीटी लगा लो, ऊपर को जा रहा पार्टिकल तो मैंने जीटी हो जाएगा, और आप यहां से एच डैश निकाल लो, क्या निकाल लो, एच डैश। जब तक रेस्ट पर आएगा ना, वहां पर कितना हाइट कवर किया ये निकाल लीजिए, यहां के टाइम निकाल लो, यहां से यहां तक का आ गया। अब जब पार्टिकल यहां से नीचे आएगा तो यहां से इसकी u वेलोसिटी जीरो होगी, यहां कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, ठीक है, और अभी टोटल हाइट कितना हो गया, h प्लस h डैश हो गया, ये आपको गिवन है, ये आप निकाल सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh से यहां पे, ऐसे ही क्वेश्चन फिर यहां से यहां तक लगाओ, समझ में आया। फिर टाइम के क्वेश्चन लगाओ, v इक्वल टू u माइनस u प्लस gt लगाओ, इस वाले में, इस वाले हिस्से में आप लगाएंगे v इक्वल टू u प्लस gt, यहां से क्या मिलेगा आपको, टाइम मिलेगा,
और एच आपको मिल चुका है टोटल एच प्लस एच डैश, ये टाइम आ गया, इस टाइम को इसमें जोड़ दो तो आपको टोटल टाइम आ जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन का आप एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से भी कर सकते हैं, वहां से पॉजिटिव क्वेश्चन बनेगी, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू, ठीक है ना। तो ये आसान है, क्वेश्चन को तोड़ना सीखिए, प्रैक्टिस करो, समझ में आया। एक क्वेश्चन और बचता है ग्राफ से रिलेटेड, हो सकता है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ग्राफ बनाने के लिए बोलेगा, अगर ग्राफ आप कुछ इस तरीके से आ रहा है, कोई से कर्वे है, ये टाइम एक्सिस है, वेलोसिटी एक्सिस है, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी डी और ई, आपको बताया वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सीलरेशन, क्या प्रोवाइड करता है, एक्सीलरेशन, पूछ देगा बी से लेकर सी क्या है, एक्सीलरेशन कितना है, फाइंड द एक्सीलरेशन फ्रॉम सी टू डी, फाइंड द एक्सीलरेशन फ्रॉम डी टू ई, है नहीं है। तो आपको इन टॉपिक को देखना है और इन्हीं टॉपिक की आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, इन्हीं टॉपिक की आपको प्रैक्टिस करनी है, समझ में आया। तो यही टॉपिक की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ग्राफ से क्वेश्चन हो गए, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको टॉपिक समझा दिए हैं, और एक क्वेश्चन है मोशन से या मोशन में ग्रेविटी हो, ये मैं आपको समझा चुका हूं, और रही बात किसके डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की हो, एवरेज स्पीड हो, एवरेज वेलोसिटी हो, एक्सीलरेशन वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कोई सा भी एग्जाम हो इतना टॉपिक क्लियर कर लीजिए आप, यही टॉपिक, यही 99% है या 99% इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, इनको प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी लगाओ, थोड़ा सा लेक्चर देख लो और बेकर क्वेश्चन लगाओ, बस मोर देन 10 बार लगाओ, 10 टाइम लगाइए, यू विल गेट योर फुल मार्क्स, है नहीं। चलते हैं अगले लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर, मतलब नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।